बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज आप नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश हांडी। इंशाल्लाह हम रेसिपी शुरू करते हैं और आपको साथ साथ इसका बताते जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 कप ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। हमने इसमें ऑयल ऐड कर लिया है, तो सबसे पहले हम इसमें जो है ना फिश को फ्राई करेंगे। फिश को हम फ्राई करेंगे सबसे पहले। फिश को फ्राई करें, ये हमारी फिश तकरीबन फ्राई हो चुकी है। हम इसको अभी निकालेंगे। उसी ऑयल में, जिस ऑयल में हमने फिश फ्राई किया, उसी ऑयल में हम 2 बड़े साइज़ के ओनियन हम शामिल करें। ओनियन को हमने लाइट ब्राउन करना है। ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन। हाफ टी स्पून जीरा इसमें ऐड करें। टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। टमाटर वन टेबल स्पून सूखा धनिया, 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून हल्दी। अब अच्छी तरह इसको भूनना है। इसमें 1 कप पानी शामिल करें। और अब इसको हल्की आंच पे सही ग्रेवी बन जाने तक हमने कुक करना है। ये देखें, ग्रेवी अच्छी तरह बन चुकी है। याद रखें, फिश डालने से पहले इसमें ग्रेवी होनी चाहिए। अब इसमें फिश शामिल करेंगे। इस तरह से फिश आपकी जो बहुत जूसी जूसी फिश बनेगी।
फिर हम इसको दम पे पकाएंगे अभी। मिक्स करें, और अब हम इसको कवर करके तकरीबन दम पे रखें। अब 15 मिनट को दम पे रखने के बाद ये हमारी फिशेस सालक में आ जाएगी, टेस्ट ग्रेवी और इसकी जो कलर है। इसके बाद हम धनिया और ग्रीन चिली, दो ग्रीन चिली और हाफ टी स्पून हम इसमें गर्म मसाला ऐड करेंगे। ये हमारी फिश हांडी तैयार है। अब हम इसको उतार लेंगे, थोड़ी देर मिक्स करें। ये हमारी आज की रेसिपी फिश हांडी बिल्कुल तैयार है और अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो तक मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।